हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आउटलुक के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली आउटलुक होता क्या है, उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम ईच एंड एवरी टर्म्स आउटलुक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहले आउटलुक है क्या? तो आउटलुक एक मेलिंग प्रोग्राम है जो कि एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के थ्रू लॉन्च किया गया है। तो आउटलुक के बारे में कुछ बातें बताने से पहले मुझे ये बताना है कि आउटलुक और अदर्स में डिफरेंस क्या है। तो आउटलुक में आप एक साथ मल्टीपल्स मेल प्रोग्राम को इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट के वन ड्राइव, वो सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट की है। उसमें ऑफिस 365 में ये आउटलुक का वर्जन इनबिल्ट है गाइस। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है जहाँ से आप सारे जो मेल्स हैं वो एक जगह पे ले सकते हैं, या फिर अपने कंपनी का जो मेल प्रोग्राम है उसको मैनेज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मेलिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है फिलहाल, जहाँ पर आपको ग्रुप वाइज है, आउटलुक है, बहुत सारे। तो लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो आउटलुक यूज के लिए सिंपल प्रोग्राम है। इसमें आप कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपने मेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ याहू, जीमेल, या फिर कोई भी जो ईमेल प्रोग्राम्स है, इंटरनेट मेलिंग का जो भी प्रोग्राम्स है, जैसे गूगल का जीमेल है, तो इंटरनेट मेलिंग का जो भी प्रोग्राम्स है उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने आउटलुक में, और सारे मेल्स एक आउटलुक में ले सकते हैं। और एक अभी जीमेल का हम बैकअप नहीं ले सकते, जीमेल के प्रोग्राम्स को हम बैकअप में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आउटलुक में हमें फैसिलिटी मिलती है कि उस प्रोग्राम का अगर हम PST फाइल बना के उसे बैकअप ले लें तो हमारा जो इंटरनेट क्लाउड स्टोरेज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और हमारे लोकल सिस्टम या फिर हम सर्वर पे कहीं पे हमारा डेटा रख सकते हैं। तो आउटलुक में इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको पॉप और उसके बाद IMPS के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, उसके पोर्ट नंबर्स क्या है, कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको मेल आईडी और पासवर्ड्स लगेगा लॉगिन के लिए। लेकिन जैसे आप कंपनी इन्वायरमेंट में लॉगिन करते हैं तो ऑलरेडी आपका लॉगिन बन जाता है, बस आपको एक बार एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपके आईडी पासवर्ड से लॉगिन होना पड़ता है। बाकी की जो बैकएंड प्रोसेस है कॉन्फ़िगरेशन, वो अपने आप सर्वर से ही सेट हो जाती है गाइस। तो आउटलुक में और कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो बेसिकली आउटलुक एक बिजनेस प्रोग्राम के लिए मैक्स करके यूज़ किया जाता है। तो आउटलुक में हम पिक्चर स्क्रीन, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर रिमोट लेने की बात करूँगा तो मैं आउटलुक से भी रिमोट ले सकते हैं। हमें आउटलुक में एक ऑप्शन मिलता है रिमोट थ्रू आउटलुक, तो यहाँ से हम आउटलुक मेल, तो हम आउटलुक मेल से रिमोट ले सकते हैं। और हम एक IT डिपार्टमेंट से हो तो हम घर से भी सिस्टम को लॉगिन कर सकते हैं अपने मेल बॉक्स को थ्रू आउटलुक। यहाँ पर 365 ऑफिस 365 का अगर हमें एक्सेस रहा तो हम इसको भी घर से डाउनलोड या फिर अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये VPN से होता है कि आपको अगर VPN एक्सेस दिया जाए तो आप अपने आउटलुक के मेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आउटलुक के ओल्ड वर्जन है 7, 2010, 13, 16, जो लेटेस्ट वर्जन है अभी वो 16 है गाइस। तो आउटलुक का पासवर्ड, ये सारी चीज़ें रिसेट, ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको आगे चल के आगे की वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे आप अपने आउटलुक के पासवर्ड्स को या फिर अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कि इसमें मैंने बेसिकली ये बातें बताई कि आउटलुक एक माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप ई मेलिंग के सारे जो मेल्स हैं उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनका डेटा बैकअप ले सकते हैं, उसका मैनेजमेंट करना ईजी है। और फोर्थ थिंग्स कि ये वाइडली यूज़ होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में गाइस। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ क्वेरी हो, डाउट्स हो, कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। बाय बाय, टेक केयर।